लो यार, ये फाटक भी खराब हो रही है। यहाँ पे डायलॉग काम वाम करने में लगे हैं फाटक के, ट्रेन वेन नहीं आ रही, फाटक खराब है। तो भाई चलो उधर से घूम के चल रहे, इधर कहीं से रास्ता है घूम घाम के जाने का। लो गांव में आ गए, मुझे लग रहा था बिहार आ गया। वेलकम टू द बिहार। अरे यार ये लो ऑफ रोडिंग शुरू हो गया यहाँ पे, तो आप लोग देख ही सकते हो फुल टू एडवेंचर वाली वही बन गई पूरी। अब भाई कितना आगे से तू घूम के जाना है, भाई बहुत आगे से घूम के आना है लग रहा है, मुझे लग रहा है। सिट। अरे भाई कहाँ जा, अगला फाटक पे से घूम के आना पड़ेगा जहाँ तक लग रहा है अपने को। तो जैसे कि आप तो देख सकते हो हमारी मेहनत रंग लाई और हमें भाई ये मिल गया। ये भी खाली है, ये भी खाली है, ट्रेन आ रहा उधर से और हम रोड क्रॉस कर चुके हैं इतने दूर आने के बाद। ओह भाई हम बिल्कुल टाइम पे निकले, फाटक बंद होने वाला था। सेंटर को हल्के में थोड़ी ले रहा हूँ भाई। ओह अब मेरे हॉन्ड को भी हल्के में मत समझना भाई साहब, ये कहाँ का जा चुकी है। ये तो ये छोटे मोटे जो ये है ना रास्ते टूटे फूटे, इनके लिए कुछ हॉन्ड के लिए कुछ नहीं है, बहुत बड़े 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 रास्तों को पार कर चुका हॉन्ड पहले ही, पता नहीं कहाँ का लेके जा चुका है मेरे को, है ना। तो ये छोटे मोटे से क्या होगा, समझ रहे हो ना, ये अंदर अंदर गाली दे रहा हूँ मेरे को। तो गाइस आप लोगों को सूचित किया जाता है कि हमें पक्की सड़कें मिल चुकी है वापस, देखो। और ये कब तक हमारा साथ निभा पाती है वो तो यही देखेगा, है ना, वो तो रोड ही जानता है। आगे जाके देखते कब तक ये हमारा साथ निभाते हैं ना, फिर किसी को। हम अभी जिस रोड के तलाश में हम आ रहे थे, जिस रोड के तलाश में, वो रोड हमें मिल चुका है, ये वाला। मुझे तो जाम था उस रोड पे जो मेन हाईवे है ऋषिकेश और हरिद्वार जाने के लिए, उसमें भाई बहुत खतरनाक वाला जाम है। और इस रोड पे पता क्या कांवड़ियाँ आ रहे जा रहे, और देखो लाइटिंग वाइटिंग जो दिख रही है, और पीछे पीछे कहीं का शेल्टर बना हुआ है भाई, इन सब के लिए मतलब इंतजाम किया हुआ, खाना पीना रहना नहाना वहाना सब कुछ के लिए, मतलब देख रहे हो भाई भोले बाबा की कि भक्त ना हर जगह फैले हुए और सपोर्ट करने के लिए हर कोई तैयार है। और हर जगह जगह पे भाई शेल्टर बने पड़े हैं कि जो भी थके आए रुके रेस्ट करे खाए पिए आराम से, फिर अगला अपनी आगे की जो यात्रा है शुरू करे। हम फिलहाल इस रोड पे, कहाँ तक ये रोड सही रहेगा पता नहीं, इसी रोड पे फिलहाल अभी भागते हुए जा रहे हैं। सुबह के हो गए हैं 6:30, समझ रहे हो, सुबह के 6 बज चुके हैं अभी, और हम अभी तक पहुँचे ना, अभी पहुँचे कि आधे रास्ते भी नहीं पार किए हमने। और ये देख लो नदी, ये गंगा नदी, गंगा ही नदी है ये जो वहाँ से आ रही है, और ये आगे मुरादनगर आगे जो दिल्ली के होते क्रॉस करते उधर जाता है, ये गंगा नदी जा रही है।
तो फिलहाल हम दोबारा स्टार्ट करते हैं अपने सफ़र को इसी रोड पे। देखो कावर हियर, जो कावर लेके जा रहे हैं आ रहे हैं, आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। और इस रोड पे थोड़ा सा भी शांति फिलहाल भाई, आगे जा कब तक रहेगी पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, वो तो आगे जाके पता चलेगा। तो गैस आप लोग ये रोड देख रहे हो, ये रोड तो पता नहीं कहाँ तक इतना मस्त बना हुआ है। और काफ़ी देर हो गया मुझे चलते चलते, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होने वाला है इस पे चलते चलते। और ये पूरा रोड एकदम मुझे लगता है रुड़की तक घट गया। ये जो कई सारे स्प्लेंडर में से जो आवाज़ आ रही है ना गुर्र के, जैसे इन सब ने पता क्या कर रखा है, इन्होंने अपना साइलेंसर ही निकाल दिया है। मतलब बाइक की आवाज़ साउंड तेज करने के लिए, इस टाइप के करने के लिए इन्होंने प्रॉपर साइलेंसर ही आवाज़ कर ली। या फिर कई सारे ने क्या कर रखा है, या फिर कई सारे बंदों ने क्या कर रखा है, साइलेंसर में छेद कर रखा है, जिसकी वजह से देखो जिसकी वजह से इस टाइप का आवाज़ निकल रहा है इसमें से बाइकों में से। तो मैं ये कह रहा था रोड एकदम मक्खन है और अपनी हॉर्न एकदम भागती जा रही है मेरी क्या सबकी। ये ऑलमोस्ट जितने भी बाइक आ रहे ना, ऑलमोस्ट जितने भी बाइक सब में से यही आवाज़ निकल के आती है बर्र। मतलब जो भी था भाई, कसम से रोड एकदम मक्खन है। और मौसम अभी तो फिलहाल शांत है, बूंदा बूंदी थोड़ी थोड़ी बूंदा बूंदी हो रही है। और भाई मज़ा आ रहा है यार, नींद सी आ रही है। पर रात को ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था, अभी हम यहाँ पे है ना, तो अच्छा लग रहा है फिलहाल। देखो मंजिल पर कब पहुँचते हैं, क्योंकि टाइम हो चुके हैं 7:30 और मंजिल अभी बहुत बहुत ही दूर है। देख रहे हो ना अपनी हॉर्न तो उड़ रही है, उसके साथ में जितने भी है ना यहाँ पे सब भाई एकदम मक्खन तरीके से भगा के ले जा रहे हैं, क्योंकि रोड इतना ज़बरदस्त है। और दूसरी बात क्या है, जो पुलिस वाले ने जो बैठे हैं ना जगह जगह पे, वहाँ पर क्या है जो कार वार आ रहे हैं ना, उसको इस रोड से जाने नहीं दिया जा रहा है। जिसके वजह से मैं भी हो सकता है अगर पहले भी ऐसे होता होगा तो भाई, ये रोड इसीलिए इतना भी बचा हुआ है क्योंकि इसमें सिर्फ बाइक जा रही है, बाइक जा रही है तो इस पर ज़्यादा वेट नहीं पड़ रहा, ज़्यादा वेट नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से रोड ठीक ठाक है ना। चलो फिर आगे मिलते हैं।
तो लो भाई साहब, देहरादून में अपन का स्वागत एकदम बारिश से हुआ। देहरादून में एंट्री करते बारिश से। अब भाई यहाँ से कहाँ जाना, किस साइड जाना? फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ये क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, सहस धारा में। ये वाटर पार्क जैसा बना हुआ है, जो पैसे लेते होंगे। ये फ्री का है जो नेचर ने बनाया है। और ये अभी मैं फ़िलहाल अपने होटल के छत पे हूँ। और भाई साहब व्यू यहाँ से एकदम गजब आ रही है। पानी के शोर तो आ ही रहा होगा, जैसे देखो ये पानी ऊपर से तो गंदा हो क्या रहा है, पर यहाँ पर पत्थरों में टकरा के इनका कलर ये थोड़ा सफेद सा हो गया है, तो भाई अच्छा लग रहा है, गुड यार, है ना। तो अभी पहले चेंज वेंज करता हूँ, क्योंकि भाई बारिश, तुम्हें पता, जैसे मैंने देहरादून एंट्री करा था, स्वागत तुम्हारी, बारिश हुई है यहाँ पे। तो वैसे ये है हमारा आज का सैंडविच, अगले दो दिन के लिए ये रहेगा। तो फिलहाल हम फ्रेश हो गए और ये सामान हमने फैला दिया, कुछ बारिश हुई तो भीग गया, कुछ उसको फैला दिया और पंखा चला के छोड़ देंगे। अभी फिर नीचे चलते हैं, यहीं से बस हमारा होटल के पास से नीचे जाने का रास्ता है, जहाँ पे आप नदी में जा सकते हो और झरने के और पानी के बहाव के लुत्फ उठा सकते हो। तो चलो फिर ज़्यादा देर नहीं करते, चलो आ जाओ। तो गाइस आज का दिन यहीं तक था समाप्त हो चुका। आज का दिन शाम हो गई है।